तहसीलदार का फोन आ रहा, कभी सीए का फोन आ रहा, कभी पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं। तो हमने कोई गलत काम कर दिया क्या इसके बारे में? हम ठीक कर रहे हैं, हमारे जानवरों के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो तो इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगा। शनिवार को निजामपुरा के कुछ लोगों ने जो कि तहसील नसीराबाद में ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन के अंदर राजगढ़ धाम के उपासक चंपालाल जी महाराज के नाम से उन्होंने ज्ञापन दिया है। जबकि उस निजामपुरा गांव में जो कि लीज है, खुशबू सेन के नाम से लीज है, और हमारी जो ये डॉक्यूमेंट है, उस लीज के सारे डॉक्यूमेंट है, सरकार द्वारा जारी की गई है। और ये लीज भी लगभग ये मान के चले 2009 में हमने उसको अप्लाई किया था, और 2011 के अंदर राजस्थान सरकार ने उसको स्वीकृत किया। उसके बाद से हमारा जो है कि लगातार वहाँ खनन कार्य चल रहा है, और जो भी वहाँ ज़मीन है, जो सरकार द्वारा जो हमारे को जो लीज दी गई थी, उस लीज के ऊपर ही जो हम उसका खनन कार्य कर रहे हैं, और उस लीज के बाहर हमने कभी कार्य नहीं किया है, और हमारे उसमें ही है ये। और जो भी ये गुंडा तत्व है, ये लोग अभी आए दिन जो है कि परेशान करते हैं। अभी दो दिन पहले भी हमारी माइंस पे रास्ता रोक करके जो हमारे वहाँ लड़का देखता है, मनीष धोबी नाम से है, उसके साथ भी इन्होंने हाथापाई करी, मारपीट करने की कोशिश करी, गाड़ी रोक करके, और उसको काफ़ी परेशान किया। तो वो भी बेचारा डर गया था, डर के मारे उसने बताया। तो और ऐसे जो भी असामाजिक तत्व है, वो लोग बदनाम करना चाहते हैं, राजगढ़ धाम को बदनाम करना चाहते हैं, जो गरिमा बनी हुई है उनको आहत पहुँचाना चाहते हैं। मतलब या तो उनका मकसद यह है कि भाई किसी तरह से डर जाए और हमको पैसे तक के ऐसा कोई लालच से वो कर रहे हैं। तो हमारी वहाँ जो भी खातेदारी ज़मीन है, निजी खरीदारी जो हमें खरीदी हुई ज़मीन है हमारी, ये सारी रजिस्ट्रिया है, और जो भी मान लो इन्होंने जो करी है, हम इसका खंडन करते हैं। और जो भी अगर किसी को कुछ है तो तहसील में जो है कि दिखा करके, और इसका जो है कि वहाँ तहसीलदार जी से जो नापचो करा ले, अगर हम मान लो हम गलत है या कुछ है, तो जो सरकार जो भी करेगा वो उस पर रहेगा। जो लोग इस तरह से जो अफवाह फैला रहे हैं, और उन लोगों के खिलाफ, गुंडा तत्वों के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अविनाश।